हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्टडी विद अ पॉइंट। मैं सोनाक्षी और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, तो भारत की नदियों के बारे में ये जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है, ये आज आपका नदियों का सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। जितना मैं आज पढ़ा दूंगी नदियों के बारे में, उतना आज आपके लिए एनफ होगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा दामोदर नदी। ठीक है, अब देखिए, जब बात आई है दामोदर नदी की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, अब बात आई है कि वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो वो जो छोटा नागपुर के पठार में जो पलामू की पहाड़ी स्थित है, वहां से वो निकलती है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, छोटा नागपुर के पलामू की पहाड़ी से दामोदर नदी निकलती है। अब दामोदर नदी जो है ये कहाँ कहाँ से बहती है, तो ये बहती है आपका झारखंड, झारखंड से ये नदी चली जाती है आपका बंगाल चली जाती है। ठीक है, झारखंड से ये नदी कहाँ जाती है, तो बंगाल चली जाती है, और बंगाल में ये जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है, तो हुगली नदी से मिल जाती है। उसके बाद इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो लंबाई है आपका 592 किलोमीटर। ठीक है, दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी को हम बंगाल का सोप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो जो दामोदर नदी है ना, वो हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष वो बंगाल में बाढ़ से बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, इसलिए इसे बंगाल का सोप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, तो बंगाल का सोप कहा जाता है। देखिए, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी पर ही एक परियोजना संचालित है, और उस परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब देखिए, दामोदर नदी पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये किस परियोजना पर आधारित है, तो ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। कौन सी नदी घाटी, तो देखिए मैं यहां लिख देती हूं, यहाँ पे हमारा दामोदर नदी के बारे में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, मैं इसे फिर से रिवाइज कर देती हूँ। दामोदर नदी जो है, सॉरी, दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पलामू की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये दामोदर नदी झारखंड से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, और बंगाल जाकर ये हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, और दामोदर नदी हर साल बंगाल में बाढ़ से बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, इसलिए इसे हम बंगाल के सोक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो बंगाल का सोक कहते हैं। दामोदर नदी पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो ये सभी यहाँ से आपका इसका शॉर्ट समरी हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा आता है छिप्रा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? तो छिप्रा नदी। अब छिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकरी बड्डी पहाड़ी से निकलती है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एमपी के इंदौर जिले के काकरी बड्डी पहाड़ी से ये निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपका 195 किलोमीटर, यानी कि 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए जो छिप्रा नदी है इसी के किनारे हमारा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बेतवा नदी। और बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह एमपी के रायसेन जिले से निकलती है। ओके, ये एमपी के जो रायसेन जिले है वहां पर ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलती है। इसका उद्गम, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 475 किलोमीटर, ठीक है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 475 किलोमीटर है और बेतवा नदी यूपी के हमीरपुर में जा करके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे बेतवा जो है वो हमीरपुर में जाकर किससे मिलती है? तो यमुना से मिलती है। उसके बाद बेतवा नदी पर दो प्रमुख बांध स्थित हैं, जो कि है पहला माता टीला बांध और राजघाट बांध, ठीक है। देखिए बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 475 किलोमीटर है। इस पर दो प्रमुख बांध निर्मित है बेतवा नदी पर, जो कि है माता टीला बांध और राजघाट बांध। और बेतवा नदी जो है ये यूपी में हमीरपुर में किससे मिल जाती है? तो यमुना नदी से मिल जाती है। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है सिंधु नदी, ठीक है। क्या आता है? तो सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। प्लीज आज आप मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है। और सिंधु नदी कहाँ कहाँ से बहती है? तो सिंधु नदी तिब्बत, सिंधु नदी तिब्बत, भारत, ठीक है। तिब्बत के बाद ये भारत में प्रवेश करती है और भारत के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये अरब सागर से मिल जाती है। सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो देखिए भारत में इसकी लंबाई है 992 किलोमीटर, ठीक है।
कितनी लंबाई है तो 992 किलोमीटर है। अब सिंधु नदी को हम इंडस नदी भी कहा जाता है। इसे इंडस नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। देखिए, सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत की से भारत, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद ये अरब सागर से मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2828 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 992 किलोमीटर है। सिंधु नदी को हम इंडस नदी भी कहते हैं या फिर इसे इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इन सभी को आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा नदी आता है ताप्ती नदी। अब देखिए, ताप्ती नदी जो है ये कहां से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूं एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नगर से निकलती है। ठीक है, जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से निकलती है। और जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी किस ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और ये नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए, समानांतर मतलब साथ साथ बहते हुए, ये सूरत के पास खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और जो ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। देखिए, नर्मदा नदी भी जो है वो भी पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी भी जो है ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और फ्रेंड्स, साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, और वो वीडियो मैंने ट्रिक के थ्रू बनाया है। तो फटाफट से जाइए और मेरा वो ट्रिक का भी वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, अब ताप्ती नदी की बात हो गई, ताप्ती नदी के बाद हम बात कर लेते हैं रावी नदी की। ठीक है, अब देखिए, रावी नदी जो है ये कहां से निकलती है, तो ये हिमाचल प्रदेश से, यानी कि एचपी मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये जो नदी है रावी नदी, ये पाकिस्तान में जाकर मुल्तान के पास जाकर ये जो नदी है, ठीक है, ये पाकिस्तान में मुल्तान के पास किससे मिल जाती है, तो चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, अब रावी नदी की जो कुल लंबाई है ये कितनी है, तो रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक है, तो
तो यहाँ से आप ये दोनों को फटाफट से नोट कीजिए, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में ये मुल्तान के पास चिनाब नदी से मिल जाती है और रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। तो इसे आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अच्छा, जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। और इसलिए गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जो गोदावरी नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ओके, कितनी लंबाई है? तो याद रखेंगे 1465 किलोमीटर। और जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन सभी के पठारों को पार करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। कौन कौन से पठार को पार करती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तीनों के पठार को पार करते हुए गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट आता है गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये यूपी से निकलती है, ठीक है। कहां से? तो यूपी के पीलीभीत जिले से ये निकलती है और गाजीपुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी जो यूपी के पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर में ये गंगा से मिल जाती है। और गोमती नदी के ही किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ बसा हुआ है। मुझे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रख लीजिएगा। यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नदी के ही किनारे बसा हुआ है और इसकी जो कुल लंबाई है गोमती नदी की वो है 475 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आता है हमारा सतलज नदी। ठीक है, क्या आता है? तो सतलज नदी। अब सतलज नदी कहां से निकलती है? तो सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, जो सतलज नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। और यह जो सतलज नदी है ये अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पाकिस्तान में जाती है और वहां पर ये चेनाब से मिलती है। ठीक है, वहां पर ये चेनाब से मिल जाती है। अब देखिए जो सतलज नदी है इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी भारत में कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। ओके,
सतलज नदी की भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर, और सतलज नदी पर ही मैं लिख ही देती हूँ, सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ठीक है, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस पर निर्मित है, तो याद रखेंगे सतलज नदी पर। तो इन दोनों को आप यहां से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, और यह नदी ८०५ किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कावेरी नदी जो है ये कुल 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कावेरी नदी 805 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और कावेरी नदी पर एक बहुत अच्छा ये एक जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? तो उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, कावेरी नदी जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यास नदी। अब व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी जो है ये हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। ठीक है, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और व्यास नदी जो है ये कुल 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और व्यास नदी जो है ये 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ठीक है, कितनी दूरी तय करती है? तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पंजाब जाती है, और पंजाब में ये सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को आप यहां से फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूं। नेक्स्ट नदी हमारा आता है फ्रेंड्स नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी जो ये कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है इसकी कुल लंबाई है
1312 किलोमीटर, ठीक है, और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, ठीक है, ये पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो याद रखिएगा पश्चिम दिशा में, और ये नदी जो है ये इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये नदी नर्मदा नदी यहाँ इसके बाद ये कहाँ जाती है, तो ये गुजरात के भड़ौच में जाती है, ठीक है, गुजरात के भड़ौच में जाती है, और भड़ौच में जाकर ये खंभात की खाड़ी से मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी जो है ये एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, ये क्या बनाती है, तो यह एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी जो है ये एस्चुरी बनाती है, और नर्मदा नदी पर ही कुछ परियोजनाएं स्थित है जो कि मैं यहां लिख रही हूं। इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर ही निर्मित है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा माही नदी, ठीक है। अब माही नदी कहां से निकलती है, तो माही नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है, और यह नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। और ये किस ओर बहती है, तो माही नदी भी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 583 किलोमीटर, ठीक है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, तो इसे भी आप यहां से याद रखिएगा। माही नदी जो है ये अपने रास्ते में दो बार कर्क रेखा को काटती है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा आता है साबरमती नदी, अब देखिए साबरमती नदी भी जो है ये उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से ही इसका उदय होता है, ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से ही होता है, और यह नदी भी जो है यह भी पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। और साबरमती नदी भी जो है वो भी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है
इसकी कुल लंबाई है 371 किलोमीटर। ठीक, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो साबरमती नदी की लंबाई है 371 किलोमीटर। और साबरमती नदी के किनारे दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, पहला है अहमदाबाद और दूसरा है गांधीनगर। ठीक है, ये दोनों प्रमुख शहर जो हैं ये साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इन दोनों को भी आप यहाँ से नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा घाघरा नदी। और घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये तिब्बत के पठार में स्थित माप्चा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठार में स्थित माप्चा चुंग ग्लेशियर से ये निकलती है और उसके बाद ये हिमालय और शिवालिक की श्रेणियों को पार करते हुए ये कहाँ जाती है? ठीक है, तो ये हिमालय और शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं उन्हें पार करते हुए ये रासीपानी में जाती है। ठीक है, और रासीपानी में जाकर ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, जो घाघरा नदी है ये तिब्बत के पठार के माप्चा चुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये हिमालय तथा शिवालिक की श्रेणियों को पार करते हुए रासीपानी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सॉरी, ये यहाँ पर संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है फ्रेंड्स। ठीक है, किसका निर्माण करती है? तो संकीर्ण घाटी का, हाँ, जो घाघरा नदी ये तिब्बत के पठार के माप्चा चुंग ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय तथा शिवालिक की श्रेणियों को पार करते हुए रासीपानी में संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है और उसके बाद जो ये नदी है ये आपका गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में मिलती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, छपरा में गंगा से मिलती है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई है इसकी 1200 किलोमीटर। जो हमारा घाघरा नदी का लंबाई है वो कितना है? तो घाघरा नदी की लंबाई है 1200 किलोमीटर। तो इन सभी पॉइंट को आप यहां से फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। अब देखिए, सोन नदी जो है, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक है, और सोन नदी जो है ये आपका मध्य प्रदेश के रीवा और अन्य जिलों से होते हुए यूपी जाती है और यूपी के बाद ये पटना जाती है और पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से ये निकलती है, वहाँ से सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रवेश करती है और वहाँ से अन्य जिलों से होते हुए यूपी पहुँचती है और यूपी के बाद ये बिहार के पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है और गंगा में मिलती है। और इसकी जो कुल लंबाई है सोन नदी की वो लंबाई है 775 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी सोन नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 775 किलोमीटर है। और सोन नदी पर ही दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हैं, पहला है बाणसागर परियोजना और दूसरा है रिहंद परियोजना। ठीक है, तो ये जो दोनों परियोजनाएं हैं वो सोन नदी पर ही संचालित हैं। तो इन सभी को आप यहां से फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट नदी है कोसी नदी। ठीक है, अब देखिए,
कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोसी नदी का जो उद्गम होता है ना, वो कोसी नदी मुख्यतः 7 धाराओं से निकलती है। ठीक है, कितनी धाराओं से? तो 7 धाराओं से। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो मुख्यतः 7 धाराओं से निकलती है, जो कि नेपाल, हिमालय और कंचनजंगा की पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, नेपाल, हिमालय और कंचनजंगा, ये सभी की पहाड़ों से ये निकलती है। और कोसी नदी की जो सबसे बड़ी धारा है का नाम अरुण है। ठीक है, इन 7 धाराओं में जो सबसे बड़ी धारा है उसका नाम अरुण है। और ये जो अरुण है ये कहां से निकलती है? तो ये माउंट एवरेस्ट से निकलती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से ये धारा निकलती है। अब देखिए, जो कोसी नदी है ये बिहार के मैदानी भागों में बहती है और मैदानी भागों में बहते हुए ये भागलपुर में गंगा से मिलती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी जो है बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। अब उसके बाद जो कोसी नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 750 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है और ये बिहार में बाढ़ के लिए भी बहुत ज़्यादा कुख्यात है। ठीक है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोसी नदी जो है वो बिहार में हर साल बाढ़ लाती है। ठीक है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि आपका अपने मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, तो याद रखेंगे वो नदी है कोसी नदी। ठीक है, तो इसे इसके मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, इसे तब तक आप लोग फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ना, वो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो तिब्बत में सांगपो कहलाती है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तो दिहांग कहलाती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और जब ये बंगाल जाती है तो बंगाल में इसे
जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमुना कहलाती है, नॉट यमुना, ठीक है, यमुना नहीं जमुना, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा से मिलती है, ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सम्मिलित धारा है उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, तो मेघना के नाम से, किसको, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा को, गंगा ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को। चलिए सम्मिलित धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी ये असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है और उस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, कहां पर, तो असम में। ठीक है, और ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप यहां से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुच्छ की पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुच्छ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, किसका उद्गम होता है, तो यमुना नदी का उद्गम होता है। ओके, अब यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 1350 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1350 किलोमीटर। चलिए अब यमुना नदी जो है ये इलाहाबाद जाती है और इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, यमुना नदी जो है ये इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार आता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो याद रखेंगे यमुना नदी। अब यमुना नदी के ही किनारे कुछ प्रमुख शहर स्थित हैं जो कि हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सभी कुछ यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, यहाँ तक कि जो आगरा का ताजमहल है वो भी यमुना नदी के ही किनारे स्थित है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है टॉस, चंबल, बेतवा। ठीक है, टॉस, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, ये सभी नदियां जो है ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप यहां से याद रखेंगे कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुच्छ की पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी टॉस, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध इत्यादि हैं। और यमुना नदी जो है ये इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और यमुना नदी के ही किनारे कुछ प्रमुख शहर स्थित है जो कि हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सभी यमुना के ही किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा है गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर के हिमनद से हुआ है। कहां से हुआ है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के हिमनद से हुआ है। ठीक है, अब गंगा नदी जो है ये बेसिकली गंगा के नाम से नहीं निकलती है, जब अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी की जो सम्मिलित धारा है ना, सम्मिलित
सम्मिलित धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा नदी जो है वो बेसिकली गंगा के नाम से नहीं निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी की जो सम्मिलित धारा होती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। अब उसके बाद जो है गंगा नदी इलाहाबाद के पास यमुना से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी जो है इलाहाबाद के पास यमुना से मिलती है। लेकिन अब देखिए एक और चीज़ है कि इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, और जो गंगा नदी जहाँ पर यमुना नदी से मिलती है उसे हम प्रयाग संगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो प्रयाग संगम के नाम से जानते हैं। और इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, अब गंगा नदी जो है, चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। गंगा नदी जो है वो आपका दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश जाती है। ठीक है, बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में जो गंगा नदी है वहां पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में ये समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी जो है याद रखिएगा, गंगा नदी बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले किससे मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। सॉरी, यहां लिखती हूं, समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र से मिलती है ठीक है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सम्मिलित धारा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सम्मिलित धारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, हो गया। उसके बाद जो गंगा नदी है वो विश्व प्रसिद्ध डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी जो है वो डेल्टा बनाती है, ठीक है, कहाँ पर बनाती है, तो पश्चिम बंगाल में। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ठीक है। चलिए देखिए मैं इसे आपको फिर से पढ़ के बता दे रही हूँ। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के हिमनद से इसका उद्गम होता है, और अलकनंदा और भागीरथी की जो सम्मिलित धारा है वही गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की जो सम्मिलित धारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और उसके पहले गंगा नदी जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है, कहाँ पर, तो संगम प्रयाग में। अब गंगा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, और कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में ये विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से नोट कीजिए, मैं आपको फिर नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने गंगा नदी के बारे में बात की, और गंगा नदी के बाद आता है हमारा गंडक नदी।
ठीक है। अब देखिए गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती पहाड़ों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती पहाड़ों से इसका उद्गम होता है और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई यानी कि जो गंडक नदी है इसकी कुल लंबाई है 425 किलोमीटर, ठीक है। गंडक नदी की कुल लंबाई है 425 किलोमीटर, ओके। अब गंडक नदी जो है ये यूपी और बिहार की सीमाओं में बहते हुए पटना जाती है और पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, और गंडक नदी को नेपाल में, देखिए नेपाल में शालिग्रामी और नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारी गंडक नदी है ये नेपाल और तिब्बत की सीमावर्ती पहाड़ों से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। उसके बाद गंडक नदी यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बहते हुए पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। नेपाल में गंडक नदी शालिग्रामी और नारायणी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब गंडक नदी के बाद आता है हमारा महानदी, ठीक है। तो देखिए महानदी जो है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महानदी का जो उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला से होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के देखिए महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंगवा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और उसके बाद महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहते हुए 857 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 857 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो ये नदी है महानदी, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये सभी राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और महानदी पर एक बहुत प्रसिद्ध बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर ही निर्मित है और ये कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को देख लीजिए। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ, जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंगवा पहाड़ी से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 857 किलोमीटर है और उसके बाद ये महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और महानदी पर ही हीराकुंड बांध निर्मित है और ये हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इन सभी को आप यहाँ से नोट कीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें आपका ही फायदा होता है कि आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हमारा आता है कृष्णा नदी, ठीक है। अब कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास एक झरने से हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास
पास झरने से हुआ है। ठीक है, अब कृष्णा नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और जो हमारा कृष्णा नदी है इस पर ही दो प्रमुख नदी परियोजनाएं संचालित है, वो कौन कौन सी है, तो वो है नागार्जुन सागर परियोजना और श्री सैलम परियोजना। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कृष्णा नदी पर ही दो प्रमुख नदी परियोजनाएं संचालित हैं, जो कि हैं नागार्जुन सागर परियोजना और श्री सैलम परियोजना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चंबल नदी। ठीक है, अब देखिए चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ एमपी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास एक पहाड़ी है। ठीक है, महू के पास जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है आपका 950 किलोमीटर। ठीक है, चंबल नदी की कुल लंबाई है 950 किलोमीटर और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सभी राज्यों से होकर यूपी के इटावा में, ठीक है, इटावा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सभी राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। और चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो कि बिहड़ों यानी कि गड्ढों का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी को आप यहाँ से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो नदियों पर वीडियो बनाई हूँ, इस वीडियो के बाहर आपका एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा नदी से रिलेटेड। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हमें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।